हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नव्यास क्विक रेसिपी। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। तो मैंने जन्माष्टमी पर बनाया कन्हैया जी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत जल्दी बनने वाला प्रसाद, ड्राई फ्रूट्स पंजीरी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडक्शन ऑन कर लीजिए। कढ़ाई में डाल दीजिए 2 टेबल स्पून देसी घी। देसी घी को अच्छे से गर्म होने दीजिए हाई टेम्परेचर पर। और जब देसी घी अच्छे से गर्म हो जाएगा फ्रेंड्स, तब इंडक्शन का टेम्परेचर थोड़ा लो कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए 1.5 कटोरी गेहूं का आटा। गेहूं के आटे से बहुत ज़्यादा टेस्टी पंजीरी बनती है फ्रेंड्स। और बस गेहूं के आटे को पहले देसी घी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसे भूनना स्टार्ट कर दीजिए लो टेम्परेचर पर। और आप देखेंगे धीरे धीरे गेहूं के आटे का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और गेहूं के आटे में बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। तब आप इस स्टेज पर इसमें मिला दीजिए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से ले सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ मखाने, गरी के टुकड़े और किशमिश और 1 तुलसी का पत्ता। तो मैंने गरी के टुकड़े भी लंबे लंबे काट कर डाले हैं फ्रेंड्स। और बस सारे ड्राई फ्रूट्स को आप इसमें मिला लीजिए। जब ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिल जाएंगे फ्रेंड्स, आप देखेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स मिल चुके हैं, तब इंडक्शन आप ऑफ कर दीजिए और इस मिश्रण को थोड़ी देर ठंडा होने रख दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें 1 कटोरी बूरा ऐड कर दीजिए। तो मैं इसमें बूरा मिला रही हूँ, अगर आप चाहें तो पाउडर्ड शुगर भी मिला सकते हैं, यानी कि पिसी हुई चीनी। लेकिन फ्रेंड्स, कान्हा जी के भोग के लिए हमेशा बूरा ही मिलाते हैं, तो मैं बूरा ही इसमें मिला रही हूँ। तो बस अच्छे से बूरे को मिला लीजिए। बूरा जब अच्छे से मिल जाएगा तो देखिए बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है कान्हा जी का प्रसाद। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत जल्दी बनने वाला प्रसाद है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इस बार जन्माष्टमी पर कन्हैया जी के प्रसाद के लिए क्या क्या बनाया। तो मैंने तो ड्राई फ्रूट्स पंजीरी बनाई फ्रेंड्स, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी पंजीरी थी क्योंकि ये कन्हैया जी के प्रसाद के लिए बनाई गई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही सिंपल और बहुत जल्दी बनने वाला प्रसाद है। आप कुछ ही मिनटों में इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। और बस इस पंजीरी के ऊपर मैंने डाल दिए किशमिश, थोड़े से मखाने, जिससे कि ये पंजीरी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगी। खाने में तो टेस्टी है ही, साथ ही साथ पंजीरी का जो लुक है वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियोस आपकी नोटिफिकेशन पर आप तक पहुँचते रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी।